जून 2023 में वैगनर आर्मी के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर के साथ बगावत का ऐलान करते हुए राजधानी मॉस्को की तरफ कूच कर दिया था और ये सुनकर पुतिन के पसीने छूट गए थे। लेकिन उस वक्त पुतिन ने ऐलान किया था कि रूस की पीठ में छुरा घोंपने वालों को हम कभी माफ नहीं करेंगे। हालांकि प्रिगोजिन के रूस से बेलारूस चले जाने पर ऐसा लग रहा था कि पुतिन ने उन्हें माफ कर दिया है, लेकिन इसी दौरान पुतिन एक टीवी इंटरव्यू में ये साफ कर चुके थे कि वो विश्वासघात करने वालों को कभी माफ नहीं करते। और अब प्रिगोजिन की मौत से पुतिन की ये बात सच साबित हो रही है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब पुतिन पर अपने विरोधियों को निपटाने का आरोप लगा है। रूस के इतिहास में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जब पुतिन के ऊपर अपने खिलाफ उठ रही आवाजों को हमेशा के लिए दबाने के आरोप लगे हैं। दरअसल अगस्त 2020 में रूस के प्रमुख विपक्षी नेता एलेक्सी नवेलनी को साइबेरिया में जहर दे दिया गया था। एलेक्सी एक विमान में उड़ान भरने के दौरान बीमार पड़ गए थे, जिसके बाद उन्हें जर्मनी ले जाया गया था। उस वक्त डॉक्टरों ने कहा था कि नवेलनी को नोविचोक नर्व एजेंट जहर दिया गया था। नोविचोक के कुछ एडिशन तो वीएक्स नर्व एजेंट से 5 से 8 गुना ज्यादा जहरीले होते हैं। हालांकि नवेलनी की जान बच गई थी और वो 2021 में रूस वापस लौट आए थे। वापस आने के तुरंत बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। उनके ऊपर धोखाधड़ी के कई मुकदमे लाद दिए गए, जिनमें उन्हें 11 साल की सजा हुई। नवेलनी पर 19 साल की अतिरिक्त सजा और जोड़ दी गई है। खुद नवेलनी का कहना है कि ये सारे केस फर्जी हैं और उनके आंदोलन को दबाने के लिए ऐसा किया गया है। और नवेलनी से पहले रूस की खुफिया एजेंसी केजीबी के पूर्व जासूस सर्गेई स्क्रिपल को इंग्लैंड में जहर दिया गया था। मार्च 2018 में वो कैथेड्रल शहर सेलिसबरी के एक शॉपिंग सेंटर के बाहर बेहोश पड़े मिले थे और जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर्स ने बताया कि उन्हें नोविचोक जहर दिया गया था, जो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। हालांकि इस मामले में भी रूस ने अपनी कोई भूमिका होने से इनकार कर दिया था। सर्गेई स्क्रिपल के ऊपर ब्रिटेन के लिए जासूसी करने का आरोप लगा था, जिसको लेकर उन्हें 2006 में 13 साल की सजा हुई थी। हालांकि बाद में उन्हें माफी भी मिल गई थी और ब्रिटेन ने उन्हें अपनी नागरिकता भी दे दी थी और वो तब से ब्रिटेन में ही रह रहे थे। सर्गेई के अलावा पुतिन के विरोधी व्लादिमीर कारामुर्जा ने भी दावा किया था कि उन्हें 2015 और 2017 में जहर देने की कोशिश हुई थी। उनकी मेडिकल रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि उनकी बॉडी में पारा, तांबा, मैग्नीज और जस्ता का लेवल हाई हो गया था। मुर्जा को मॉस्को की एक अदालत ने देशद्रोह में दोषी पाया था और उन्हें सजा सुनाई थी। वहीं पुतिन के विरोधियों का कहना है कि इस सारे खूनी खेल के पीछे पुतिन रूस की खुफिया एजेंसी का इस्तेमाल करते हैं और 2006 में भी ऐसा एक मामला सामने आया था। दरअसल रूस के पूर्व जासूस और पुतिन के राजनीतिक आलोचक अलेक्जेंडर लिटुनेंको को साल 2006 में ग्रीन टी में जहर दिया गया था और अगले कुछ ही हफ्तों में उनकी मौत हो गई थी। उन्हें लंदन के मिलेनियम होटल में ग्रीन टी में जहर दिया गया था और 2016 में हुई एक ब्रिटिश जांच में रूसी एजेंसियों के ऊपर इस हत्या के आरोप लगे थे। इसके अलावा 2012 में 44 साल के अलेक्जेंडर पेरेपिलिची लंदन के बाहर अपनी गाड़ी के पास मृत पाए गए थे। अलेक्जेंडर ने रूसी मनी लॉन्ड्रिंग योजना में स्विच जांच में अहम भूमिका निभाई थी। साल 2009 में वो रूस से भागकर ब्रिटेन आ गए थे और उनकी मौत के बाद खुलासा हुआ कि उनके पेट में जलसीमियम पौधे का एक दुर्लभ अंश था, जो बेहद ही जहरीला माना जाता है। इन सब मामलों को देखकर एक बात तो साफ है कि प्रिगोजिन की मौत के पीछे भी कोई ना कोई ऐसा राज है जो अभी तक पूरी दुनिया से छिपा हुआ है।